हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है वो एमसीए प्रिपरेशन को लेकर है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो ये तो सोच रहे हैं कि एमसीए की प्रिपरेशन करना है, पर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, या कंफ्यूजन है, या कई सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं। और मैं जब भी कोई सेशन लेता हूं तो पिछले सेशन और रेगुलर में जो मेरे पास क्वेश्चन आप लोग भेजते हैं उन क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए लेता हूँ। जैसे आज का जो सेशन है वो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोग न्यू बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब एमसीए 2 ईयर का हो गया है। 2 ईयर होने से क्या चेंजेस आए हैं और आपको क्या क्या अपने अंदर चेंज लाना है वो बताना है। दूसरा, अगर किसी का 12th पास नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स क्या है, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग एक नया बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 17 अगस्त से एमसीए एंट्रेंस के लिए बैच होगा, जिसमें टारगेटिंग निमसेट, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, पुणे, यानी सभी एमसीए को इंक्लूड करेंगे हम। और ये बैच की जो क्लासेस हैं वो 2 टाइम पे होंगी, मॉर्निंग और इवनिंग में। किस ढंग से क्लासेस चलेंगी, क्या क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अब एमसीए जो है वो 2 ईयर का हो गया। अभी तक सारे पीजी कोर्सेज की हम बात करें तो वो 3 ईयर के होते थे, सॉरी, अभी तक जितने भी पीजी कोर्सेज की बात करें वो 2 ईयर के होते थे, जैसे एमसीए की बात करें, एमटेक की बात करें, पर एक ये पीजी कोर्स ऐसा था एमसीए जो 3 ईयर का था, इसको भी अब 2 ईयर का शिफ्ट कर दिया है। 2 ईयर शिफ्ट होने से हुआ यह है कि अब जो बीटेक वाला बच्चा है वो भी एमसीए की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगा है, यानी पहले भी बीई वाले बच्चे देते थे पर बीटेक वाले बच्चे पहले कम होते थे। अब इस साल से जैसे हमारे पास अभी ऑनलाइन कोर्सेज से भी कई सारे बीई वाले बच्चे जुड़ते जा रहे हैं और इंक्वायरी भी बीई वाले बच्चों की है, फोन कॉल भी आते हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में एमसीए एंट्रेंस में बी वाला बच्चा भी एक अच्छा फिगर करेगा। जैसे अगर आप ध्यान दें तो आज से कुछ साल पहले यूपीएससी की जब बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, तो सिविल सर्विसेज में नॉर्मली आर्ट्स वाले बच्चे बहुत होते थे। फिर जैसे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़े आपने देखा धीरे धीरे इंजीनियर्स बच्चों का यूपीएससी में इंटरेस्ट बढ़ा, और अब वो समय आ गया कि आज की डेट में यूपीएससी में आर्ट्स वाले बच्चों से कई ज्यादा टेक्निकल ग्रेजुएट होते हैं। सोचिए यही चीज कैट में हुई, पहले कैट नॉर्मल ग्रेजुएट वाले देते थे, बट आज अगर हम देखें तो मैक्सिमम मतलब 70 से 80% बच्चे या तो आईआईटी या एनआईटी से हैं। ऐसे ही आगे आने वाले समय में अभी तक भी, अभी भी पहले भी बी वाला बच्चा आता था पर बहुत कम परसेंटेज होता था, बिकॉज 4 साल का बी, 3 ईयर का पीजी, ये 7 ईयर हो जाता था। बट अब क्या होने वाला है कि अब वो 4 साल के बी के बाद 2 साल के एमसीए को करेगा। अच्छा, एमसीए एंट्रेंस का सिलेबस भी अगर हम देखें तो मैथ्स या मैथ्स बेस्ड रीजनिंग होने के वजह से बी वाले बच्चों के लिए कंफर्ट जोन है, तो वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में मैं आप सबको ये बोलूंगा कि अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो वो शंका जरूर दूर करें, मुझसे आप डायरेक्ट बात करें, बट बैठे ना। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो याद रखिएगा, जैसे जब जनवरी में या फरवरी में, या इवन मैं आपको बता दूं एक ऑनेस्टली, और ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च या इवन अभी तक भी 2020 बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, और जब वो ज्वाइन करते हैं उसके बाद बोलते हैं कि सर बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत टाइम कर दिया या बहुत देर कर दी, अब बहुत प्रेशर है, अब ये 2 महीने में हो पाएगा कि नहीं, 3 महीने में भी। तो अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं बोलना चाहते हैं, या आप उससे आगे जाके ये ना बोलें कि सर क्या 6 महीने में हो जाएगा, अब 6 महीने ही बचे, तो ऐसा ना करें, अभी वक्त है, समय रहते हुए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे अगर अभी हम देखें तो अभी हमारे पास अगस्त मिड है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये हैं, 5 महीने वो हैं, 15 दिन ये, लगभग 9 मंथ से ऊपर का टाइम अभी भी है। अगर कोई 21 में एग्जाम देने वाला है, 22, 23 में देने वाले, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और गुरुकुल में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो 22 या 23 में एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं सबको, आपको एक बात बोलूंगा कि इमीडिएटली एक्शन लें, बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं, थोड़ा आप एक बार प्लेसमेंट देखें एनआईटीज में तो आपको समझ में आएगा कि एक 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख, ऐसे एवरेज प्लेसमेंट देखें तो 10 से 15 लाख के इतने अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। एक सही डायरेक्शन में अगर पढ़ाई की जाए तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप एक अच्छा या तो एनआईटी या डीयू या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी या बीएचयू, जेएनयू, वीआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लें और आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले। अब आपने एक और चीज नोट की होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत है तो पहले बी वाले बच्चे अभी बैंकिंग, एसएससी सब में जाने लगे, अब इसमें धीरे धीरे बढ़े, उसके पहले आप समय रहते हुए प्रिपरेशन करिए। अब बात आती है कि प्रिपरेशन करते समय कई बार हमें लगता है कि हम सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है,
बट एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, कई बच्चे जब हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आईआईटी के समय प्रिपरेशन किए तो शायद जरूरत नहीं क्लासेस की, पर जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको डिफरेंस समझ में आता है। तो ये बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं या आपको लगता है सब कंप्लीट किया, तो कई बार सेल्फ स्टडी में एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ पाता, हर दिन का एक टारगेट सेट नहीं होता, वीकली टेस्टिंग का कोई टारगेट सेट नहीं होता, ऐसी कई सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है, किसी दिन 12 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लिया। जब पर हम क्लासरूम कोर्स ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो एक रेगुलर रूटीन में हम आ जाते हैं अपनी पढ़ाई में, और ये रेगुलर रूटीन पढ़ाई जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है आगे बढ़ाने में। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि अगर हो सकता है तो आप क्लासरूम कोर्स या ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों के कई सारे बैचेस स्टार्ट हुए, इन बैचेस के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जब क्लासरूम ओपन होगा तो वो भोपाल क्लासरूम में आ जाएंगे। तो एक अच्छी बात यह है कि इम्पीटस गुरुकुल के साथ आप किसी भी कोर्स से जुड़ने के बाद किसी दूसरे कोर्स में स्विच कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहली बात यह, क्योंकि अभी क्लासरूम कब ओपन होगी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है सेप्टेम्बर में हो सकता है अक्टूबर में हो, ऐसे में आप लोग रुके ना, इमीजिएटली डिसीजन लें और लाइव क्लास ज्वाइन करें और उससे रेगुलर पढ़ाई करना चालू करें। हाँ, इसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको भोपाल क्लासरूम में आना है तो आप लाइव क्लास से इमीजिएटली स्विच होकर क्लासरूम में आ सकते हैं, या आपको लगता है कि जनवरी फरवरी में हम लोग जब फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं उस समय भी आ सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, पहले समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज आना चाहें तो आएं, पर ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो क्लासरूम में होता है वही लाइव क्लास वाले बच्चों को मिलता है, ये सबसे खास बात है। इसलिए आप उस बात के लिए ध्यान, उस बात की कोई टेंशन ना लें। दूसरा, ये लाइव क्लास कोर्स भी बंद नहीं होगा आगे भी, जैसे अभी हम लोगों ने लाइव क्लास लास्ट ईयर के दिसंबर में हमारा एंडिंग में लॉन्च हुआ था और फर्स्ट बैच हमने जनवरी में स्टार्ट किया था, और उस समय तो ये कोविड वगैरह भी नहीं था, तो उस समय तो इसी प्लान के साथ किया था कि अब ये कंटिन्यू चलेगा और अभी चल भी रहा है। इवन लॉकडाउन में आपको बता दूं एक दिन भी क्लास बंद नहीं हुई, बल्कि आपके जो सीनियर्स हैं 2020 वाले उनकी पर डे तीन तीन क्लासेस होती है, यानी ये एक यूनिक बात है कि क्लासेस बंद होने की जगह बढ़ गई। वीकली टेस्टिंग होती है, ऑनलाइन टेस्टिंग हमने फरवरी से स्टार्ट कर दी थी, निमसेट ने तो बाद में डिक्लेयर किया, अब एमसीए के लगभग सारे एग्जाम ऑनलाइन होने लगे। तो मैं पहले कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोर्स के बारे में बताता हूँ, कैसे टेस्टिंग होती है, आप कहाँ से जाके लेंगे, ऐसे कई क्वेश्चंस आप पूछते थे, तो मैं इन पूरे चीजों को डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हमारी दो वेबसाइट्स हैं, एक है live.impetusgurukul.com और एक है impetusgurukul.com, दोनों में से किसी भी साइट पे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी मेन वेबसाइट है impetusgurukul.com, इसके ऊपर लिखा भी है लाइव डॉट, इससे भी लाइव में स्विच कर सकते हैं। अब जब आप कोर्स लिस्ट पे जाएंगे तो ये कोर्स लिस्ट है, अलग अलग कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है। अभी हम बात करते हैं एमसीए की, तो एमसीए के जैसे अगर आपको 2021 बैच को ज्वाइन करना तो इसको टिक करेंगे, अगर आपको फास्टैग या 20 वाला बैच ज्वाइन करना है तो इसको टिक करेंगे। केवल मैथमेटिक्स करनी तो अलग बात है, पर कई बच्चे केवल मैथमेटिक्स भी करते हैं, पर नॉर्मली पूरा कोर्स वाले ही बच्चे होते हैं। अभी मैं 2020 के बैच में जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2020 का हमारा बैच होगा, ठीक है ना। इसमें इसके थ्रू भी बताता हूं मैं आपको, जैसे ये हम गए वीडियो कोर्सेज में, तो अब यहां पर देखिए AIMCA और NIMCET लिखा हुआ, इसको क्लिक करा तो ये हमारे कोर्सेज आ जाते हैं। अब इस कोर्सेज में, वीडियो कोर्सेज में दो तरह की चीजें, जैसे इस पे जाते हैं आप, तो सपोज आप इस पे जाते हैं तो ये देखिए ये वीडियो कोर्सेज आ गए। अब वीडियो कोर्सेज में नंबर वन फुल वीडियो ट्यूटोरियल का मतलब है पेन टाइप कोर्स। इसमें अब हमने दो ऑप्शन रख दिए, जैसे लॉकडाउन के वजह से हम बीच में पेन टाइप नहीं भेज पाए तो हमने एक विद पेन टाइप और एक विदाउट पेन टाइप कर दिया। विद पेन टाइप विदाउट पेन टाइप में कोर्स में डिफरेंस नहीं है, बस विद विदाउट पेन टाइप में आपके घर पे पेन टाइप नहीं आती है तो वो पेन टाइप का कॉस्ट का डिफरेंस भी आपको फायदा मिल जाता है, और पेन टाइप वाले कोर्स में अगर जाएंगे तो पेन टाइप भी आपके घर आ सकती है, अब तो कोरियर सर्विसेज स्टार्ट हो गई। एक होता है हमारा लाइव क्लासेस कोर्स, ठीक है, तो ये लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी, और एक हो गया लाइव क्लास प्लस फुल वीडियो ट्यूटोरियल, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम बच्चे जो अभी जुड़े हुए हैं वो दोनों कोर्सेज से जुड़े हुए हैं। दोनों कोर्सेज के एडवांटेज ये हैं कि पेनड्राइव कोर्स से पहले वो टॉपिक को कवर कर लेते हैं, फिर लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बट अगर आप सिंगल कोर्स से भी जुड़ेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स नॉर्मली
आपका किस लेवल का है, कितना आपका अंडरस्टैंडिंग पावर है, इस पर डिपेंड करता है। पर एक सिंगल कोर्स के थ्रू भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से पूरी डिटेल दी हुई है, इन कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है, तो ये हमारी मेन वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि ये जैसे अब हमारी क्लासेस हैं, अपकमिंग क्लासेस, ठीक है, ये पास्ट वीडियोज हो गए। तो पास्ट वीडियोज में जो अभी तक बैचेस स्टार्ट हुए थे उसमें मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। जैसे 167 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है 2021 वालों की, फिर भी मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ न्यू बैच, तो इसका मतलब क्या होता है समझिए। न्यू बैच मतलब आप एक नए टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग आपको ये वाली भी क्लासेस देंगे, बट ये देखना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिख रहे होंगे वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। बट अगर आपके पास टाइम है, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको उसका पढ़ लेना चाहिए, उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह, और एक और खास बात है कि हम लोग हर चीज को बहुत ही बेसिक से कवर करते हैं। इवन अभी मैंने पिछले 10 दिनों में बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स यानी 6 to 10 तक का मैथ्स पढ़ाया है। जब हम एमसी एंट्रेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, कई बार बहुत बेसिक क्लासेस, कई चीजें क्लियर नहीं होती। अच्छा, एमसीए में क्या होता है, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग, क्वांट, ये सब भी आता है। तो स्टार्टिंग ही ऐसे की जाए, अगर आपने बेसिक क्लियर करके पढ़ाई करी तो ये मान के चलिए कि आपका कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स तक क्लास में कवर होता है, यानी हर वो चीज जो जरूरी है वो सारी चीजें आपको कवर करवाई जाती है। फिर इस कोर्स के साथ जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक बार फिर खोलता हूं, तो ये पास जब क्लासेस में जाते हैं तो आपको पूरी क्लासेस की लिस्ट दिखती है, कब कौन सी क्लासेस हैं वो सारी चीजें दिखती है ना। तो ये सारी चीजें दिखने के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके आप जब कोर्स में जाते हैं, ये कोर्स में गए आप, देखिए, तो इसमें आपको एक और दो तीन ऑप्शन और दिखते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज, मान लीजिए आपको टेस्ट पेपर्स देना है तो टेस्ट पेपर्स दिख जाएंगे। देखिए, जैसे स्टडी मटेरियल है तो पूरा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में लाइक डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, फिर वीकली टेस्ट होते हैं, संडे टेस्ट होते हैं, उनकी आपको रैंक मिलती है। ये सब आप ऐप पे जाके खुद भी देख सकते हैं ना। इस तरह से आपको टेस्ट मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे तो ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। इस तरह से ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट हैं, एक्चुअल पेपर्स हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं, यानी ये सारी चीजें। यहाँ वीडियो पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेंगे लाइक दिस, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक क्लासेस मिलती जाएंगी, राइट। ये जैसे पुरानी क्लासेस हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, उसके टेस्ट पेपर एनालिसिस, जो भी टेस्ट होते हैं उनके एनालिसिस होते हैं। पर ये क्लासेस आपको नहीं देखनी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको इनका भी, अगर किस कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम होता है तो वो इन क्लासेस से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दो एंड से क्लासेस चलती। अच्छा, इसके अलावा 2 ईयर एमसीए होने की वजह से क्या हुआ है कि जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल किसी का बीएससी प्लेन है, तो ऐसे में आप, क्योंकि 2 ईयर एमसीए है तो अगर आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सी, सी प्लस प्लस, जो कि एमसी एंट्रेंस के कैरिकुलम का पार्ट नहीं है, जेएनयू में थोड़ा सा जरूर आता है, इसलिए तो भी हम आपको सी, सी प्लस प्लस का ओरिएंटेशन देंगे। क्यूएलआर अभी से पढ़ाया जा रहा है, यानी अभी ज्वाइन करने पर आप एक एंड पर मैथ्स पढ़ेंगे, एक एंड पे सी, सी प्लस प्लस और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। यानी अभी बहुत अच्छा समय है और दो टाइम पे ये क्लासेस चलती रहेंगी, तो समय रहते हुए आपका सिलेबस भी होगा, फिर फाइनल टेस्ट सीरीज भी होगी और रिवीजन भी होगा। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा कि आप टाइम पे रहते हुए पढ़ाई करिए। अच्छा, अब आती है बात सिलेबस वगैरह को रहकर, कई बार डाउट होता है, तो आप हमारी जब मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो आप मेन वेबसाइट के टॉप पर जब जाते हैं तो यहां पर देखिएगा एग्जाम इन्फो है, इसमें सारे एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आप जैसे मान लीजिए बात करते हैं एमसीए की, तो आप एमसीए पे क्लिक करिए। अब एमसीए पे आपने क्लिक करा तो ये एमसीए एंट्रेंस की डिटेल दी हुई है, राइट। जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं निम सेट की, आप लोग कई बार बोलते हैं, तो निम सेट की डिटेल दी हुई है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये दिया हुआ है, उसका सिलेबस क्या है, देखिए एज क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, नंबर्स को लेके कई बार डाउट होता है कुछ बच्चों को। तो जैसे अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200, जनरल इंग्लिश के 20-80 मार्क्स, अब ये 480 मार्क्स है, पर फिर भी आप मेरे मुंह से कई बार सुनते होंगे कि निमसेट का पेपर जो है वो 1000 मार्क्स का होता है। तो वो क्यों, क्योंकि ये 480 मार्क्स का ही है, बट जब रैंक अलॉट होती है, देखिए अवार्ड ऑफ मार्क्स, तो जब अवार्ड ऑफ मार्क्स होते हैं तो इक्वल नहीं होते हैं, उस केस में मैथ्स के 12 नंबर होते हैं, रीजनिंग के 6 होते हैं, कंप्यूटर के 8 होते हैं, यानी यहां पर आपको लगभग लगभग
पूरी पूरी डिटेल मिल जाएगी, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है, और नॉट ओनली कि निमसेट का, सारे जो मेजर एग्जाम्स हैं उन सब के हमने यहाँ पर सिलेबस दिए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिएगा, ये सिलेबस है, ये सब चीजें हैं। ये नीचे बढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर के आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे। देखिए ये देखिएगा, अगर आप आगे जाएंगे, सॉरी, तो आपको नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे, ये देखिए रिटर्न एग्जाम पैटर्न्स, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती जाएंगी। एडमिट कार्ड कैसे आता है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर विथ, ये देखिए आंसर की, इसके साथ आपको पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई पेपर देखना है कि किस पैटर्न का आया है, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, तो आपको पेपर्स मिल जाएंगे। नॉट ओनली कि एमसीए, आप जिस भी उसमें जाना चाहें, जैसे थोड़ा और पीछे जाते हैं हम, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप अक्सर इस तरह के फोन करते हैं कि सर सिलेबस क्या है, कौन कौन से एग्जाम देना चाहिए, तो आपको हर एक चीज हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर रखी हुई है, जब आप देखेंगे तो आपको मिलता जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए जैसे ये निम, अच्छा मैंने निम सेट ही खोला, एक मिनट, निम सेट के अलावा जैसे मान लीजिए डीयू है, तो आप डीयू की वेबसाइट पे चले गए, ये देखिए ये डीयू की पूरी डिटेल मिल गई, वेबसाइट एड्रेस सब कुछ आपको मिलता जाएगा। यानी ये इस साइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको हर एक चीज की डिटेल मिलेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आपको डिटेल ना मिल पाए। राइट, पेपर कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है, तो आप जो भी एग्जाम देना चाहें, बीएचयू एमसीए देना चाहें तो बीएचयू एमसी का, जेएनयू एमसीए देना चाहें तो जेएनयू एमसी का, डीयू पुणे, यानी हर एमसीए के एंट्रेंस के एग्जाम की सिलेबस, उनका पैटर्न, सारी इंफॉर्मेशन है। अब बात आती है, कई बार आप लोगों के मन में कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये यहां पर कि अब इसमें नोटिफिकेशन में हम लोग जब कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो भी डालते चलते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए एलिजिबिलिटी की बात करें, तो निम सेट की एलिजिबिलिटी में जब हम जाते हैं तो निम सेट की एलिजिबिलिटी और बाकी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। बीएससी ऑनर्स, बीसीए, बीसीए वाला डायरेक्ट एलिजिबल है, बीआईटी मतलब बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वोकेशनल, बी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ये, फुल टाइम डिग्री वाला कोई भी बच्चा इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। राइट, यानी ये उनका क्राइटेरिया है। अब मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम्स उन्होंने लिखा हुआ क्लियरली, जिसमें विथ मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स का सब्जेक्ट 1 ईयर हो, बीसीए कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी बीसीए वाला बच्चा अगर इनकेस 12th में मैथ्स नहीं लिया है तो भी वो उसके लिए इलिजिबल है। तो एक चीज याद रखिए, बस इसमें एक चीज मांगते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके 60% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, या फिर 6.5 सीजीए होना चाहिए 10 के स्केल पर, और अगर कैटेगरी है तो 55 या 60%, ये उसका बेसिक लॉजिक है। राइट, तो ये क्राइटेरिया दिया है, और ये केवल एक, मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं, आपको हर एक चीज जो आपको चाहिए वो इस वेबसाइट पे है। बी वाला बच्चा भी इसमें डायरेक्ट अपेयर हो सकता है। अब मान लीजिए पर आप बीएचयू का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप जेएनयू का एग्जाम दे रहे हैं, और इन केस आप 12th मैथ्स नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा वो भी बताता हूं। उस केस में आपको एक ब्रिज कोर्स, जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज भी आई थी, मैंने उस पर एक सेशन भी बनाया था, आप ब्रिज कोर्स के थ्रू 12th मैथ्स का एक अलग से एग्जाम दे सकते हैं, जिसके फॉर्म पर समझ लीजिए अगस्त एंड में आने वाले हैं। उसके लिए आपको करना ये होता है कि जिस भी स्टेट बोर्ड से आपने 12th दिया है, उस स्टेट बोर्ड में उसी स्कूल में जाके आप 12th का मैथ्स का सिंगल पेपर अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे स्टेट से भी दे सकते हैं, बट उस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप 12th मैथ्स भी हो जाएंगे। एक सिवा आपके 60% नहीं है तो आप बी कॉम, और मान लीजिए आप 60% नहीं है, या आपने बी कॉम किया हुआ है या बी ए किया है, पर आप 12th मैथ्स हैं, तो आप उस केस में जेएनयू, बीएचयू या अदर एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। तो ये जो हमारी वेबसाइट है, मैंने आपको वेबसाइट आज इसलिए दिखाई कि कई बार आप जो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करना है, तो मैं आपको बोलूंगा इस वेबसाइट में हर एक चीज है, हर एक वो चीज है जो कि आपको लगेगी। अच्छा, दूसरा, इस साल हमारे पास नोटिफिकेशन आ गए हैं कि 2 ईयर का एमसीए होगा, ठीक है, ऑफिशियली, बट जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो और हमें क्लियरिटी होगी, इसलिए कई जगह आपको यहाँ पे दिखेगा 3 ईयर, मैंने इसलिए हटवाया भी नहीं है। जैसे निमसेट के थ्रू भी एमसीए 3 ईयर का,
अभी ऐसा ऑफिशियली केवल जमशेदपुर ने डिक्लेयर किया है कि निमसेट के थ्रू एमसीए 2 ईयर का होगा, बाकी एनआईटीज में अभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं लगा, या इस साल कोविड के वजह से अभी तक कॉलेजेस की तरफ से हमें पता नहीं है, तो कुछ चीजें हो सकती है प्लस माइनस। इसलिए आपको जब आप सिलेबस या कुछ देख रहे होंगे तो हो सकता है कुछ जगह पे 3 ईयर एमसीए लिखा हो, तो आप उसको देख के कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये अभी ही अप्लाई अभी ही डिक्लेयर हुआ है, और अभी डिक्लेयर होने के बाद भी, क्योंकि इस साल का कहीं पे भी एमसीए एंट्रेंस का एग्जाम नहीं हुआ, ना तो एग्जाम हुआ ना ही एडमिशन हुए, कुछ प्राइवेट कॉलेज को छोड़ दें। अब प्राइवेट में जैसे वैल्लोर की बात करें, वो ऑलरेडी 2 ईयर का एमसीए कंडक्ट कर रहा था, और बाकी भी प्राइवेट कॉलेज में 2 ईयर के एमसीए कोर्स थे, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा। पर जैसे एनआईटीज की बात करूं तो इस साल का एनआईटी का एग्जाम नहीं हुआ, डीयू का एग्जाम नहीं हुआ, सी महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं हुआ, तो जब इनके एग्जाम होंगे और एडमिशन होंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। इसलिए मैंने ये अभी 3 ईयर लिखा है तो वो लिखा रहने दिया, ये आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि उसको देख के आप उस चीज को लेके कंफ्यूज मत हैं। बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पुराने पेपर्स ये सब कुछ है, अब जरूरत है तो वो है एक्शन लेने की, इमीडिएटली प्लान करने की कि नहीं अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो फिर मैं देर ना करूं, इमीडिएटली एक्शन लूं, पढ़ाई करूं। बच्चे रोज जुड़ते जाते हैं, अच्छी बात ये होती है कि लाइव क्लास में एक प्रॉब्लम ये नहीं होती, आप लाइव टाइम में तो देख ही सकते हैं, पर अगर इनकेस ना देख पाए तो मैंने अभी आपको बताया आप उन क्लासेस को बाद में जाके भी देख पाते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे ये जो क्लासेस हैं इनको आप बाद में भी जाके देख सकते हैं, तो इनमें से कोई भी क्लास को बाई चांस आप नहीं देख पाए तो आपने बाद में देख लिया, और कोशिश पर यह करना चाहिए कि लाइव क्लास के समय ही लाइव देखें। आप इस तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं घर पर रहकर, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भोपाल आना है तो आप आना चाहें तो आ जाए, नहीं आना चाहें तो ना आए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ऑनलाइन क्लास और क्लासरूम में कोई डिफरेंस नहीं होता, अनलेस एंड अंटिल क्लासरूम में आप हमारे सामने होते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आप उसको मैनेज करके चलेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बस यहां पर सेशन एंड करूंगा, मैंने आपको लगभग सारी चीजें बताई। न्यू बैच हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रुके ना, पहले ही आप काफी लेट हो चुके हैं, और लेट ना हो, बच्चे तो ज्वाइन करते जाते हैं, पर अगर आपने ये मन बना लिया है, मेरा ये सेशन सुन रहे हैं और ये मन बना लिया है कि एमसीए करना है, तो इमीडिएटली एक्शन लें, पढ़ाई करें, क्लास ज्वाइन करें, और प्रॉपरली, क्योंकि हम लोग जब क्लास में आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, रेगुलर क्लास होने के साथ साथ रेगुलर टेस्टिंग भी होती है, डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, इतनी तरह तरह के टेस्टिंग होती है, उससे आपको काफी एडवांटेज मिलता है। चलिए यही बोलूंगा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर डिसीजन ले लिया है तो मैं फिर बोलूंगा अब देर ना करें, क्योंकि एमसीए वाले बच्चों के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, सोचते तो हैं पर रुके रहते हैं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, और बिल्कुल फुल पॉजिटिव माइंड एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई करना है। चलिए ऑल द बेस्ट।